दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 8 नवंबर 2019 शुक्रवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है पियोन और ड्राइवर की, क्लास 4 के अंतर्गत 3,678 वैकेंसीज निकली है। 12,400 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर सीएससी से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। HCRAJ.NIC.IN इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 18 नवंबर 2019 से। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक 18 नवंबर को ही एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 17 दिसंबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 17 दिसंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। रेलवे के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। 2029 खाली पद है। योग्यता की बात की जाए तो 10th और ITI अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जयपुर राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। RRCjaipur.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं आज ही से। जी हाँ दोस्तों, आज ही से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। 8 नवंबर 2019 स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट 8 दिसंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। BSF के अंतर्गत कॉन्स्टेबल GD की भर्ती निकली है। 1356 खाली पद है। सैलरी 21,769 है। लेवल 3 के अंतर्गत 10वीं पास कम से कम आवेदन कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा PHT PET और रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है। BSF.NIC.IN इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती की बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली अटेंड करनी होगी। 7 से 14 नवंबर 2019 इसकी यहाँ पर डेट डिक्लेयर कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। HCL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की। 45 वैकेंसीज है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु की अगर बात की जाए तो HCL रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर तय की जाएगी। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। hindustancopper.com इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 11 नवंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 दिसंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है HARTRON लिमिटेड में। पोस्ट है प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की। 70 वैकेंसीज निकली है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए 37,800 रुपये सैलरी है। जूनियर प्रोग्रामर के लिए 20,250 है। प्रोग्रामर के लिए 25,200 है। BBTech, MSc, MCA ग्रेजुएट और PGDCA अप्लाई कर सकते हैं। आयु की अगर बात की जाए तो HARTRON रूल के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और प्रोग्रामिंग टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। HARTRON.org.IN इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए 20 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जो 6th लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। BEL के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। वेरियस खाली पद है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 11,110 रुपये सैलरी है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10,400 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। BBTech और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। आयु की अगर बात की जाए तो BEL रूल के अकॉर्डिंग तय की जाएगी, कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, सिलेक्शन भी रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। BEL-India.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस भर्ती के लिए आपका इसमें डायरेक्ट वॉकिंग सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी डेट है 10 नवंबर 2019 सुबह 10 बजे आपको अटेंड होना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की यानी कि 8 नवंबर 2019 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं, और जिस भर्ती के लिए आपको आवेदन करना होगा उसी के लिए यहीं पर आपको आवेदन का लिंक दिया गया है। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।